शैतान चुबोता है कचोका लगाता है उसके नतीजे में कोई रग जख्मी हो जाती है कोई रग कट जाती है जिसकी वजह से ये खून जारी होता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सबब भी बता दिया कि इस की बीमारी कैसे आती है فقالوا فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم وقال ايضا انما هي ركضه من ركضات الشيطان हजर निगरामी जादू जन्नात की हकीकत और इलाज के ताल्लुक से बात चल रही है गुजशत दुरूस में हमने ये मालूम किए कि जादू की मुख्तलिफ मुख्तलिफें क्या क्या हैं और उनके इलाज क्या हैं, अलामत क्या हैं उन्हीं में से एक किस्म है शहरे इस्तेहादा यानी इस्तेहाजा का जादू इस्तेहाजा क्या है यह ख़वातीन के लिए एक खास बीमारी जिसमें खून ना रुके खून मुसलसल जारी रहे उसको कहा जाता है इस्तेहाजा ख़वातीन के जो फितरी खास अयाम हैं उन अयाम के अलावा मजीद खून जारी हो ब्लीडिंग हो इसको कहा जाता है इस्तेहाजा और ये एक बीमारी है प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया अल-इस्तेहाज़ा मरदुम मिनल अमराद बीमारियों में से एक बीमारी है होता कैसे अभी मैंने आपके सामने दो हदीसें पढ़ी है इन दोनों से बात वाजे हो जाती है पहली हदीस करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान इब्न आदम मजरदम शैतान आदम की औलाद में रगो रेशे में खून में दौड़ता है चलता है अल्लाह ने उसको यह ताकत यह सलाहियत यह काबिलियत दी है कि वो इंसान के रगो रेशे में चल सकता है तो जाहिर सी बात है जब रगों में चलता है तो उस वक्त उससे कुछ वो छेड़खानी करता है छेड़खानी करता है और उसी छेड़खानी के नतीजे में कोई रग काट देता है किसी रग से वो छेड़खानी करता है उसके नतीजे में ये ब्लीडिंग जारी होती है खून बहता है रुकता नहीं है मजिद आप ने हज़रत हमना बिनते जा रदी अल्लाह तहा एक सहाबिया हैं जिनको इस की बीमारी थी प्यारे ने भी सल्ला वसलम की खदमत में आके उसके ताल्लुक से सवाल करती है पूछती है मालूम हासिल करती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि देखो इन नमा ही रिकम इन शैतान ये तो शैतान कि एड़ लगाने में से एक एड़ लगाना है शैतान अपने एड़ियों से मारता है शैतान चुबोता है कचोका लगाता है उसके नतीजे में कोई रग जख्मी हो जाती है कोई रग कट जाती है जिसकी वजह से ये खून जारी होता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सबब भी बता दिया कि इस्तेहाजा की बीमारी कैसे आती है होता किस कैसे कि जब जादूगर अपने कुफरिया और शिरकिया अमाल के जरिए से क्योंकि जादू करना करवाना दोनों कुफर है तो जादूगर अपने शिरकिया और कुफरिया अमाल के जरिए से जादू करना चाहता है किसी के ऊपर तो अपने चेले चंडों को मुसलत करता है मुसलत करता है कि जा जाके उसको तकलीफ दे अब उनमें से कोई अंदर दाखिल हो जाता है शैतान कैसे कैसे इंसान के अंदर दाखिल होता है वो हमने इससे पहले मालूम कर चुके हैं तो अंदर दाखिल होने के बाद रगो रेशे में चलते हुए वो किसी रग से छेड़खानी करता है और इस तकलीफ में मुबतला करने की कोशिश करता है इसीलिए ने एक और हदीस में फरमाया इन नमा हुआ इरकन और लयिस का कि यह हैज नहीं है बल्कि ये मंथली पीरियड के अलावा एक रग है उस रग की वजह से ये ब्लीडिंग जारी होती है तो ये एक शहर है कभी इसके जरिए से भी शहर किया जाता है शहर की एक और किस्म है कि शादी ब्याह में रुकावटें डालने का जादू शादी ब्याह में रुकावटें डालने का जादू शादी ब्याह ना हो रिश्ता ना आए और परेशान हो तकलीफ में मुबतला हो तो इस तरह के भी कोई जादू करता है इस तरह का जादू करता है और इसकी वजह से रिश्ते नहीं होते हैं रिश्ते नहीं होते हैं रिश्ते टूट जाते हैं या रिश्ते मैसर नहीं होते हैं और ये भी एक तरह के खास जादू हैं इसके जरिए से इंसान को परेशान किया जाता उसकी है उसकी अलामतें क्या क्या हैं या तो मुसलसल सर दर्द रहना चाहिए मुसलसल सर दर्द हो लड़का लड़की दोनों तो को मुसलसल सर दर्द या सीने में शदीद तरह के घुटन एक तरह की कुफ्त महसूस होना सीना तंग होना सीने में घुटन होना इस तरह की तकलीफ सीने में महसूस होना तो ये भी एक अलामत है फिर इसी तरह से आधी रात में आधी रात तक जागना नींद का नहीं आना बेखाबी होना परेशानी होना नींद में डर जाना या डरावनी चीजें देखना ये भी है या जब भी शादी ब्याह की बात हो जिससे बातचीत तय हो उसको डरावनी सूरत में नजर आए डरावनी सूरत में नजर आए वो उसकी तरफ आमदा ना हो फिर इसी तरह से कभी कभार ऐसे हो कि मेदे में शदीद दर्द हो मेदे में पेट में शदीद दर्द महसूस हो या कभी पीठ के निचले हिस्से में हड्डियों में दर्द हो पीठ के निचले हिस्से में हड्डियों में दर्द हो तो ये भी शहर की अलामतों में से एक अलामत है क्या आदमी मेडिकलली भी चेकअप करें अगर कुछ नहीं लग रहा है तो समझ लेना कि कुछ शहर की अलामतें हैं तो ये जादू भी क्यों करते हैं जाहिर सी बात है ये हसद के नतीजे में होता है साजिश के नतीजे में होता है कि ताकि इसको तकलीफ दी जाए इसके घर अच्छे रिश्ते ना आए इसके बहन बेटियों को या इसका इसके बेटे को भाइयों को रिश्ता ना पहुंचे इसके लिए ये किया जाता है ये हसद के नतीजे में होता है तो इन जादू का इलाज में एक साथ इन बताऊंगा तो ये जो जादू है इसके लिए भी वही शैतान को जिन्नात को मुसलत कर दिया जाता है और उसके जरिए से उसको परेशान किया जाता है जादू की किस्मों में से एक और किस्म है और यह बंदिश वगैरह के जरिए से भी किया जाता है और वह है कि बीबी के करीब बंदिश बीबी के करीब से बंदिश का जादू कि आदमी को ऐसा जादू कर दे ऐसा परेशान कर दे कि मिया बीवी में उल्फत और मोहब्बत ना रहे मिया बीबी में हमेशा झगड़ा एक दूसरे की सूरत देखना ना चाहें एक दूसरे के लिए परेशानी हो फिर एक दूसरे के लिए जो इस रिवाजी मरासिम और ताल्लुकात है वो कायम ना हो या उसमें उनको सुकून मैसर ना हो इस तरह की एक दूसरे को देखते ही गया कि गुस्सा आ जाए एक दूसरे की सूरत देखना ना चाहें छोटी छोटी बातों में गुस्से में आ जाना मामूली मामूली बातों पे बड़े बड़े मसाइल और झगड़े खड़े हो जाना छोटी सी बात है लेकिन बड़े बड़े मसाइल और झगड़े खड़े हो जाते हैं फिर इसी तरह से क्या होता है कि आदमी सही रास्ते में चलना चाहता है शिरकिया और कुफरिया कामों से परहेज गुरेज करना चाहता है लेकिन ये क्या करें शिरकिया और कुफ्रिया चीजों की तरफ गैर शरा चीजों की तरफ चले जाए तो समझ लेना कि ये भी एक जादू की तरह है बंदिश कैसे कैसे होती है बंदिश के ताल्लुक से इंशाला मैं मुस्तकिल तरीके से एक दर से आइंदा देने वाला हूं अब ये जो जादू हैं आज हमने दो तीन तरह के जादू मालूम किए इन जादूओं का इलाज कैसे करना है तो सबसे पहले जो घर का माहौल है ये दीनी माहौल बनाए घर का माहौल दीनी माहौल बनाए घर में तस्वीरें या शैतान को दाखिल करने के जो आलात हैं घर में कुत्ते हैं तस्वीरें हैं टीवियां देखी जा रही है घर में म्यूजिक है गाने हैं ये सब चीजें हैं तो पहले घर का माहौल दीनी माहौल बनाएं शैतान को घर से भगाएं सुरा बकारा घर में मुसलसल तिलावत करें मुसलसल तिलावत करें और मुकम्मल कंप्लीट शुरा बकारा तीन दिन लगातार पढ़ा करें बेहतरीन इलाज है बेहतरीन इलाज है तीन दिन सुरा बकारा मुसलसल पढ़ा करें बेहतरीन इलाज है शैतान उस घर से भाग जाएगा जादू जिन्नात के इलाज के लिए बेहतरीन इलाज है ये मुकम्मल सुरा पढ़ें बहुत सबर आजमा काम है क्योंकि मुकम्मल सुरा पढ़ने के लिए एक बैठक में आपको दो घंटे के आसपास में तो लगेगा दो अढ़ाई घंटा स्पीड के हिसाब से दो अढ़ाई घंटा तो लगेगा पढ़ लें तीन दिन यह अमल करें और कुरानी जो आयतें रुकिए के लिए हैं रुकिए के लिए जो आयतें हैं उन आयतों को खास तौर से शहर की जो आयतें हैं शहर की आयतें मूसा और जादूगरों के बीच में जो शहर की बातचीत हुई थी इन आयतों को मुसलसल पढ़ के दम करें सराबारा की आयत नंबर एक सौ दो व तबाउमा सलीमान मुसलसल पढ़ के दम करते रहें मुसलसल फिर इसी तरह से अजवा खजूर का इस्तेमाल करें जैतून का तेल उसमें दम करके खास तौर से सोते वक्त पैर के तलवे में मालिश किया करें मालिश किया करें यह बहुत अच्छा है फिर इसी तरह से बेर के पत्ते से गुसल करें बेर के पत्ते से गुसल किया करें सात दिन यह अमल किया करें और बेर के पत्ता में से कुछ उसको ऐसा पीस के पानी के साथ दम के पानी के साथ उसको पिए शहद का इस्तेमाल करें कलों ब्लैक सीड्स उसका भी इस्तेमाल किया करें इन सारी चीजों में अल्लाह ने शिफारक की है तो इन शह आहिस्ता आहिस्ता ये जादू जिन्नात की सारी चीजें खत्म हो जाएगी और नजर बद एक हकीकत है नजर बद की वजह से काफी सारे मसाइल होते हैं इसलिए नजर बद की दुआओं का भी अहतमाम करें सुबह शाम के असकार का भी करें नमाज की पाबंदी किया करें इनके जरिए से इलाज होगा दुआ की से अल्लाह तबरक हमें और आपको जादू जिन्नात नजर बद हसद बुग से महफूज रखें आमीन सुबह